नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों के दम पर एक्शन कहाँ पर देखने को मिल सकता है। और आगे हम बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से। और गिफ्ट निफ्टी से काफ़ी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। 121 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। वहीं अन्य बाज़ारों पर नज़र डालें तो वैसे तो आज जापान और चीन के बाज़ार बंद रहेंगे, वहाँ पर पब्लिक हॉलीडे के मौके पर। कोरिया के बाज़ार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं हांगकॉन्ग के बाज़ार देखेंगे तो वहाँ पर भी मजबूती है, करीब 1% की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। बाकी आज चीन और जापान के बाज़ार बंद रहेंगे तो वहाँ से फिलहाल कोई क्यूज़ नहीं है। लेकिन दुनिया भर के बाज़ारों से काफ़ी अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी बाज़ारों में कल का सेशन काफ़ी अच्छा था, डाउ जोन्स में 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और पिछले 3 दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगा और S&P 500 पहली बार हरे निशान में बंद हुआ पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो। वहीं नैसडैक में भी हमने करीब 1.5% की बढ़त देखी। इस बीच हुआ ये कि फेड की तरफ से हॉकिश बयान की उम्मीद की जा रही थी, थोड़े सख्त बयान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हॉकिश थे लेकिन थोड़ी कम हॉकिश बयान थे, जिसके चलते हमने देखा कि नैसडैक में 1.5% की तेज़ी आई। उसके पीछे की वजह ये थी कि ट्रेजरी यील्ड्स भी नरम हुए हैं, क्योंकि पहले तो बाज़ार इससे डर गया था कि आगे फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करे, लेकिन उसका डर अब कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। फेड ने ये क्लियर कर दिया है कि वो ब्याज दरों में बढ़त नहीं करेंगे, हाँ कटौती होने में थोड़ी देरी हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर बाज़ार में जो नर्वसनेस थी वो थोड़ी कम हुई है। हो सकता है डिले हो आगे ब्याज दरों में कटौती को, लेकिन वो ऑन कार्ड्स हैं और फिलहाल हाइक की कोई बात फेड की तरफ से नहीं की जा रही है, जिसके चलते हमने कल एक तेज़ी देखी। अगर कुछ टेक शेयरों की बात करें तो निवीडिया और अमेज़ॉन के शेयर में करीब 3% की तेज़ी थी। उसके अलावा एप्पल के शेयर में करीब 2% की बढ़त थी। एप्पल के जो नतीजे थे वो अनुमान से बेहतर आए, जिसके चलते हमने देखा कि एप्पल का शेयर एक्सटेंडेड मार्केट बंद होने के बाद का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वहाँ पर हमने शानदार तेज़ी देखी। और इसके अलावा एप्पल ने करीब $110 बिलियन के शेयर बायबैक की भी घोषणा की। तो वैसे तो अगर ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 2% की तेज़ी थी, लेकिन नतीजों के बाद एक्सटेंडेड मार्केट सेशन में 7% की तेज़ी देखने को मिली और उसका असर आज भी हम देखेंगे और टेक शेयरों में जो तेज़ी थी उसको वो लीड कर सकता है। इसके अलावा चिप कंपनियों की बात करें तो क्वालकॉम में भी करीब 9% की तेज़ी थी। इसके अलावा अप्रैल नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आ जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बाज़ार की नज़र इस पर रहेगी। और अभी फ़िलहाल 2.54 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान है, अगर इसी के आसपास आता है तो इसे बाज़ार चीयर करेगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने काफ़ी देखा कल, टेक शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी थी जिससे कि बाज़ार में बढ़त देखने को मिली है। तो आज कुछ बेरोजगारी दर के आंकड़े आएंगे, लेबर मार्केट से जुड़े डेटा आएंगे, उस पर नज़र रहेगी। यूरोप के बाज़ार में मिलाजुला कारोबार रहा। बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो थोड़ी नरमी आई वहाँ पर, 4.5% के पास अब बॉन्ड यील्ड्स आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी थी। सोने में कल उतार चढ़ाव भरा माहौल था, लेकिन हल्की बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिली। फिलहाल $2,312 के पास कारोबार कर रहा है सोना। और कच्चे तेल में भी कल हमने एक बाउंस देखा, लेकिन अभी भी $83-84 के पास ही कारोबार कर रहा है, एक रेंज में ही हो रहा है, क्योंकि 7 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था कच्चे तेल ने। उसके बाद थोड़ी हल्की यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन कच्चे तेल में अभी भी जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है और इसके अलावा डिमांड में कमजोरी देखने को मिल रही है, उसका असर अभी भी कच्चे तेल पर हावी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से एक दायरे में कारोबार हो रहा है कच्चे तेल में। तो ये हैं इस वक्त के ग्लोबल संकेत। अगर भारतीय बाजारों के संदर्भ में बात करें तो संकेत आज भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं, अच्छे संकेत हैं, ज़्यादा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं निकल कर आए हैं। और टेक शेयरों में जो तेज़ी हुई है कल अमेरिकी बाज़ारों में, उसका इम्पैक्ट आज हम भारतीय बाज़ारों में भी देखेंगे। अब आते हैं FIIs और DIIs के आंकड़ों पर। तो कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली की, 964 करोड़ की बिकवाली हुई है। DIIs ने 1352 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 364 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 22,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नज़र आ रहा है।
कल भी हमने देखा, कल के सेशन में निफ्टी में तो रिकॉर्ड लेवल्स आए, लेकिन बैंक निफ्टी से ज्यादा कुछ सपोर्ट कल के दिन नजर नहीं आया। अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग, उसके बाद बोलिए। एक्चुअली कल काफी हद तक कोटक की वजह से भी हुआ, कोटक बैंक करीब 2% नीचे का, फिर आईसीएस और पहले तो शुरू में अच्छे खुले थे लेकिन बाद में गया। बोल दो सिर्फ एक लौता एचडीएफसी बैंक था जो किसी तरह से हरे निशान में होके इनको चेक एंड बैलेंसेस कर रहा था, अदरवाइज ऐसे कोई लेवल के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ बैंक निफ्टी के अंदर भी। हाँ, ये बात सच है कि कल बैंक निफ्टी पूरा दिन स्ट्रगल करता रहा हरे निशान में आने के लिए, लेकिन वो हरे निशान में आ नहीं पाया। और एक और चीज, सुबह सुबह मार्केट ने बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं दिया था, उल्टा ही तो गैप अप हुए थे, निफ्टी हल्का सा गैप डाउन था, बाद में तेजी पकड़ ली थी इन्होंने, लेकिन बैंक निफ्टी को थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही थी बिकॉज ऑफ द वेटेज प्रॉब्लम। अब आते हैं डाटा पे कि निफ्टी के अंदर एक्चुअली में कल क्या हुआ। देखिए, निफ्टी के अंदर कल हल्के से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है और 4 लाख से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट के पास बहुत दम है। इंडिया विक्स आप देखो, कल कोई ट्रिगर नहीं था मार्केट में, उसके बावजूद भी इंडिया विक्स में 6% बढ़ा। तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, वॉलिटिलिटी अपने चरम पे जा रही है धीरे धीरे, जैसे इलेक्शन के अंदर आप सीरीज की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं, और सीरीज के जो स्टार्टिंग है अभी तो आप देखो 13.5 के ऊपर का विक्स आ गया। तो 13.5 का विक्स आने का मतलब होता है कि आप 1% नॉर्मल से ज्यादा वॉलिटिलिटी को झेल रहे हो इस समय। तो इस समय आप देखते हो कि कल परसों में भी आप एक्सट्रीम वॉलिटाइल रहोगे। आज का सेशन फ्राइडे का सेशन होगा तो उसके अंदर आप हो सकता है अभी इस वॉलिटिलिटी का इम्पैक्ट देखें, और इसमें कुछ ऊपर और नीचे के लेवल्स आपको नोटिस करवा देता हूँ कि जैसे जैसे ट्रेड होंगे वैसे वैसे आप काम करना। पहले सपोर्ट बताता हूँ निफ्टी की, निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 550 और 400, 22,400 और 22,550 जो सपोर्ट एरिया है। ये टिपिकली इसको जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट इनको टेस्ट करके वापस ऊपर भाग आता है क्योंकि ये बॉटम एरिया है। यहाँ पे टेक्निकली भी और डेरिवेटिव के हिसाब से ये दोनों सपोर्ट एरिया कहलाएंगे। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस कहाँ, देखो 650 पे बंद हुआ है कल, 3 दिन से 604, 643, 650 के आसपास हम बंद हुए हैं, यानी कि 650 के इर्द गिर्द है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, इसको हम छोड़ भी नहीं पा रहे, इसको हम पा भी नहीं पा रहे कायदे से। तो इसलिए आज का दिन और क्रिटिकली वॉच करना होगा। अगर आज आईटी कंपनी थोड़ी हेल्प कर दें तो फिर हो सकता है डाइवर्जेंस निफ्टी के अंदर आपको आज फिर से दिखे और निफ्टी ऊपर 750 तक भी जा सकता है। तो 650 का बेस पक्का होना चाहिए 750 तक का। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन के डाटा के अंदर कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ना तो रिटेल की होल्डिंग बढ़ी, ना एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी, ना ईडीआई की होल्डिंग बढ़ी। तो तीनों ने कल एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चर्निंग हुई है, इसके अलावा कल कुछ भी नहीं हुआ। कल चेक एंड बैलेंसेस हो रहा था मार्केट के इंडेक्सेस का और कुछ भी नहीं हो रहा था। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट के अंदर कल जो डाइवर्जेंस बजा वो कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि वेटेज की वजह से था। अब वो वेटेज बैक टू बैक तो काम करेगी नहीं, एक ना एक दिन तो उसको रुकना ही पड़ेगा। तो इसलिए 49,000 का भी बेस बरकरार है, कल भी मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया था, इस पार्ट ऑफ दिस की 4-5 शेयर उसके नेगेटिव हो रहे थे बड़े वेटेज वाले, लेकिन अभी भी 49,000 का बेस है। तो आप चाहें तो 49,000 के बेस को रिस्पेक्ट करते हुए सिस्टम में जरूर बने रहें। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले को सिस्टम में बने रहने के इस समय पूरा अधिकार है, वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर तेजी है और फ्यूरियस बुल रन है। ये छोटा मोटा डिप आ रहा है ना, ये तुरंत बॉट हो रहा है, और ना केवल बॉट हो रहा है बल्कि इसका डबल तेजी मार्केट के अंदर आ रही है। तो इसलिए जब तक यही फेज चल रहा है आपका कि बाइंग और डिप का है, तब जरूर करते रहिए। नए वालों को लोग बस इतना ही चेक करना कि कोई डिप मिल जाए तो प्लस करो, जैसे कल बैंक निफ्टी में मिला करीब 200 पॉइंट डिप मिल गया, तो आपको पता है कि मैं 49,300 पे ले रहा हूँ, 49,000 मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपको 300 पॉइंट रिस्क करने के लिए वापस से 50,000 आ सकता है बैंक निफ्टी, तो आपके पास 700 पॉइंट कमाने के लिए। तो इस तरह से आपको प्लस करना, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली और कैटेगोरिकली काम करना पड़ेगा। ये सीधा सीधा सपाट वाला बाजार नहीं है, ये बाइंग ऑन डिप और सेल ऑन राइज दोनों वाला कॉम्बिनेशन वाला मार्केट है। 3 शेयर F&O बैन में है, ऑप्शन ट्रेडर को इंट्राडे ही काम करना चाहिए, BTSC STBT ना करें वो। दूसरी बात, होल्डिंग्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी स्लाइटली हल्का हो गया, यानी कि स्लाइटली ओवरबोर्ड की तरफ जा रहा है, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करें आज रेंज के अंदर ट्रेड करने की, निफ्टी की रेंज ऊपर में 750, नीचे में 550 की है, और बैंक निफ्टी के ऊपर के रेंज 49,500 और नीचे के 49,000 है। बहुत बहुत शुक्रिया निम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे काम करें, बाजार दोनों साइड के मौके दे रहा है, बाय ऑन डिप्स का भी मार्केट है, सेल ऑन राइज का भी मार्केट है, बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा।
क्योंकि चुनावी माहौल भी है, तो उसको देखते हुए बाजार में अभी फिलहाल उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, बाजार का अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये है ओवरऑल मार्केट पे एनालिसिस आज के लिए। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हेमंत कपाड़िया से, लेकिन उनके जो कॉल्स हैं वो हैं हमारे पास, तो उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने रख देते हैं। BPCL में खरीदारी करने की सलाह वो दे रहे हैं, टारगेट होगा 646 का, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी तेज़ी करने की सलाह है उनकी तरफ से, 665 के लक्ष्य देख रहे हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो BPCL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है आज के ट्रेडिंग कॉल्स हेमंत कपाड़िया की तरफ से। उनसे बात नहीं हो पा रही है, कोशिश करेंगे संपर्क जोड़ने की, लेकिन फिलहाल उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ और बाजार पर रणनीति आपको बताई दी गई है कि ऑप्शन ट्रेडर्स अगर आप हैं तो इंट्राडे ही प्ले कीजिए, BTST, STBT करने की कोशिश ना करें, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आज मार्केट के लिए आपको बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स और नतीजों की। शरद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर, कल बाजार बंद होने के बाद काफी सारी कंपनियों के नतीजे भी आए हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए पहले तो नतीजों से शुरुआत करिए, कौन कौन से नतीजे आए और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफकोर्स निफ्टी की कोल इंडिया के नतीजे पे फोकस करेंगे, और यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। रेवेन्यू थोड़ी इनलाइन थी, लेकिन एबिडा और मार्जिन यहाँ पे एनालिस्ट एस्टिमेट को मिस किए हैं। इंपॉर्टेंटली जो ई रियलाइजेशन होता है वो लगभग 23% सिक्वेंशियल बेसिस पे गिरावट देखने मिली, क्योंकि ई ऑक्शन प्रीमियम्स कम हो गए हैं, तो उसके कारण कोल इंडिया के कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, तो आज स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। वही अजंता फार्मा की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, यहाँ पे आप एबिडा ले लीजिए, रेवेन्यू ले लीजिए, पैट ले लीजिए, वो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए हैं, और IPM बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ आई है। एस्टेक लाइफ साइंस की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी देखने मिले हैं, रेवेन्यू लगभग 21% का जंप आया, और अगर एबिडा मार्जिन की बात करें तो 406 बेसिस पॉइंट्स का जो इजाफा देखने मिला है। वोल्टाइक ट्रांसफार्मर्स, ऑलरेडी जो ये थीम हमने देख रही है पावर सेगमेंट में ट्रांसफार्मर्स को लेके, यहाँ पे भी देखें नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, रेवेन्यू 17% बढ़ा, नेट प्रॉफिट में भी 22% का उछाल हुआ है, डिविडेंड भी लगभग 90 रुपये प्रति शेयर का अनाउंसमेंट आया है। सीएट की बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, अनुमान से कम आए हैं नतीजे, ओवरऑल एबिडा में सिर्फ 6% का ही जंप आया है, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट सपाट रहा है 4% का ग्रोथ के साथ। और आखिर में PNG हेल्थ, देर रात कल इनके नंबर्स आए थे, ये लार्जली सारे पैरामीटर्स में वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, तो यहाँ पे मोर ऑर लेस कहेंगे मिले जुले नतीजे जो है हमें देखने मिल रही है वायदे बाजार और कैश मार्केट में। बिल्कुल, तो कोल इंडिया के नतीजे, अगर बड़ी निफ्टी कंपनी की बात करें तो नतीजे कमजोर आए हैं, अजंता फार्मा, एस्टेक लाइफ साइंसेस, वोल्टाइम के नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं, स्ट्रांग है, वहीं सीएट के नतीजे और PNG हेल्थ के नतीजे कमजोर हैं। ये पूरा एनालिसिस और अभी शरद आपको करके बता रहे थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे RBI ने जो है रिवोक कर दिया बैन का, स्पेशली जो ई कॉमर्स और जो ऑनलाइन डिजिटल में जो इंस्टा EMI कार्ड होता है, लोन्स जो पास होते हैं उसको लेके, अब क्या होगा कि जो डिसबर्सल्स है ये अब लोन्स की स्टार्ट कर देंगे इन दोनों ही सेगमेंट में, और याद रखिए फोर्थ क्वार्टर में इनके अर्निंग्स में भी इम्पैक्ट इसी के कारण पड़ा था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सपेक्टेड है मार्केट्स में आज बजाज फाइनेंस के लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा। उग्रो कैपिटल, ऑफकोर्स नंबर्स तो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, लेकिन उन्होंने लगभग 1300 करोड़ का एक कैपिटल रेज किया है। अब ये कैपिटल रेज मार्की इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स दोनों ही इसमें शामिल हुए, लेकिन जो बड़े दिग्गज नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। मधुकेला, मैनकाइंड फार्मा की फैमिली ऑफिस, मणिपाल ग्रुप की फैमिली ऑफिस है, रोजी ब्लू डायमंड्स है, एल्कम लैब्स की फैमिली ऑफिस है, और गौरी खान जो शाहरुख खान के फैमिली ऑफिस है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, तो बहुत बड़े मार्की इन्वेस्टर्स जो है उग्रो कैपिटल में देखने मिल रहे हैं। प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन वो 1000 करोड़ अब रेज करने वाली है इक्विटी या डेट के जरिए, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर फोकस में रखिएगा। अजंता फार्मा के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि नंबर्स तो इनके बहुत स्ट्रांग आए थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और अनाउंस किया है, वो है उनकी शेयर बायबैक। लगभग 0.82% स्टेक का शेयर बायबैक है टेंडर ऑफर के जरिए, साइज 285 करोड़ का है, बायबैक प्राइस लगभग 24% प्रीमियम पे है, और जो रिकॉर्ड डेट है अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं इसमें तो उसके लिए May 30th का डेट रहेगा। मॉइल जो कल हमने देखा स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक लिया था अपने अलग अलग ग्रेड्स की, अब जो है एक अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि सबसे बेहतरीन अप्रैल में प्रोडक्शन और सेल्स कंपनी ने रजिस्टर किए हैं, सेल्स लगभग आप कह सकते हैं 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है, तो आज भी मॉइल में मोमेंटम
कंटिन्यू देखने मिल सकता है। डाबर कल नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, रूरल सेगमेंट में एक अच्छी टर्न अराउंड आई थी, लेकिन जो कॉनकॉल था मार्केट आज के बाद उसमें दो अहम बात सामने आते हैं। सबसे पहला कि वो अपने हाइक करने चाहते हैं और प्राइसेस को लगभग 3 से लेकर 4% तक, और स्पेशली जो फूड सेगमेंट है वहाँ पे 4 से 6% तक, और हेल्थ केयर और HPC सेगमेंट में जो पर्सनल केयर सेगमेंट होता है वहाँ पे 4% और 2% रेस्पेक्टिवली। जो एबिटा गाइडेंस है वो 20% दिया है वित्त साल 2025 के लिए। तो ये दो अहम बात है जो इस कॉन कॉल से आ रहे हैं। येस बैंक आज ब्लॉक डील हो सकता है, जहाँ पे कार्लाइल ग्रुप जो है लगभग 2% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू लगभग 1500 करोड़ रुपए का है। ऑलरेडी कार्लाइल की बात करें तो यस बैंक में 8.74% स्टेक का उनका करंट होल्डिंग है, तो वो गिर के 6.74% हो सकता है। DCX सिस्टम्स जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है स्टॉक में। यहाँ पे कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई और सर्विसेज एग्रीमेंट किया है इसराइल एरोस्पेस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट करार है। पर इसकी फुल डिटेल्स जो है अनाउंसमेंट नहीं की गए हैं, लेकिन ये लगता है प्राइमर फेसी की एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है डिफेंस को लेके। मैक्स एस्टेट्स भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गुरुग्राम में, वहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया उनकी आम ने, जिसका जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आता है वो 9000 करोड़ रुपये का आता है। कल हमने स्टॉक में तेज़ी भी देखी थी, जहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है लगभग 400 करोड़ इन्फ्यूज़ भी कर रहे थे उनके दो स्पेशल पर्पस व्हीकल आर्म्स को लेके भी। तो दो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज MOIL और मैक्स एस्टेट्स दिन पे दिन देखने मिल रहे हैं लगातार। और आखिर में ऑफकोर्स कोफर्ज फोकस में रहेगा, नंबर्स तो ऑलमोस्ट इन लाइन आए थे, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि वो 54% स्टेक लिस्टेड कंपनी सिग्निटी टेक में जो है लेने वाले हैं, और इसका जो प्राइस है 1415 रुपये प्रति शेयर का रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज और डेवलपमेंट देखने मिल रही है एक्विजिशन को लेके। ठीक है, ढेर सारी खबरें हैं, अहम खबरें हैं। कल भी वहाँ पर एक्शन था और आज भी इन स्टॉक्स में एक्शन एक्सपेक्टेड है, इस पर नज़र रखिए। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ, हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस के साथ, क्योंकि अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की तो कहीं पे एक बुलिश व्यू हमें ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 9260 रुपीज़ का रखा है, और इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे हमें पता है कि RBI ने जो रिस्ट्रिक्शंस थे कार्ड के ऊपर बजाज फाइनेंस के, उसको भी हटा दिया है, और इसी के चलते हुए उनको कहीं पे ग्रोथ देखने को मिल रही है बजाज फाइनेंस में। इसी के बाद उनका मानना है कि कहीं पे ये जो 6 मंथ्स में ये जो रिजोल्यूशन आया वो भी एक पॉजिटिव है बजाज फाइनेंस के लिए, और आगे जाके इसका इम्पैक्ट जो है वो उनका मानना है कि कहीं पे 10% से ग्रोथ देखने को मिल सकता है नए लोन्स के सेगमेंट में, और 4% से ग्रोथ देखने को मिल सकता है कंसोलिडेटेड PBT में Q4 के नंबर्स में, और इसी के चलते उन्होंने एक 9260 रुपीज़ का टारगेट दिया है। इसी के बाद अगर सिटी की बात करें तो उन्होंने भी बजाज फाइनेंस पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 8675 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे मैनेजमेंट का भी ऐसे ही रहेगा व्यू आगे जाके कि ये जो रेगुलेटरी कंसर्न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सके, और इसीलिए उनका भी एक बुलिश व्यू बनते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं कोल इंडिया की, जहाँ पे मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 465 रुपीज़ का दिया है। तो जैसे हमें पता है कि कोल इंडिया के EBITDA में मिस आया था, बट मैक्वायरी का मानना है ये है कहीं पे कि कॉस्ट में कहीं पे हमें हायर रेंज देखने को मिला था और ऑक्शन रियलाइजेशन कहीं पे लो था, इसी की वजह से ये EBITDA मिस हुआ है। आगे जाके उन्होंने ये जो आउट परफॉर्म रेटिंग है वो बरकरार रखा है, क्योंकि उनको कहीं पे वॉल्यूम्स में डिलीवरी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, बैलेंस शीट काफ़ी रोबस्ट लगता है, और इसी के साथ साथ 5% डिविडेंड यील्ड भी है जो स्टॉक ऑफर करता है, और इसीलिए उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं डाबर की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 660 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे रिजल्ट्स की बात करें तो एक ब्रॉडली इनलाइन रिजल्ट से अगर जेफरीज के एस्टिमेट्स के साथ हम कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट ने जो आगे के प्लान्स बताए वो थोड़े बुलिश लगे और ऑप्टिमिस्टिक लगे उनको, तो जैसे सिंगल टू डबल डिजिट ग्रोथ का मैनेजमेंट ने प्लान बताया वो जो काफ़ी अच्छा लगा था जेफरीज को, और इसी के साथ साथ जो ग्रोथ और वैल्यूएशंस है वो कहीं पे अलाइन दिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए डाबर के लिए। अगली बात करते हैं ONGC की, क्योंकि जेफरीज ने ही यहाँ पे मेंटेन किया है बाय रेटिंग और प्राइस टारगेट प्राइस जो है वो दिया है 390 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके सुधरते हुए देखने को मिल सकती है इस कंपनी के लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी जो स्पेसिफिकली KG बेसिन से जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कहीं पे कंसर्न था, बट उनका मानना है कि कहीं पे बेटर रियलाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है, इसकी वजह से ये जो ओपेक्स का लोड है वो कहीं पे कम होते हुए देखने को मिल सकता है, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस 390 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेजेस की माने तो ये सब स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं, इस पर आप नजर रखिए। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, हमारे साथ रणनीति बताने के लिए HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं।
अनु जी थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए. गुड मॉर्निंग. बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग. देखिए हमने देखा थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे देखने को मिला है, चाहे क्रूड हो चाहे गोल्ड हो. हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सलन राइज का मार्केट रहेगा. तो हमारे यहाँ पे दो टॉपिक रहेंगी गोल्ड में और क्रूड में. दोनों में ही बिकवाली की कॉल रहेगी. गोल्ड में करीबन 71,250 के आसपास बिकवाली करें, 71,500 का स्टॉप लॉस लगाएं. टारगेट नीचे करीबन 70,500 तक देखा जा सकता है. और दूसरा क्रूड के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं मई कॉन्ट्रैक्ट में. करीबन 6635 में बिकवाली करें, 6701 का स्टॉप लॉस लगाएं. टारगेट नीचे करीबन 6530 तक देखने को मिल सकता है. तो गोल्ड और क्रूड में इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं. ठीक है, थैंक यू अनु जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए. तो इंट्राडे के लिए आपको ये सजेशन दिया है सोने और कच्चे तेल दोनों में ही बिकवाली करने की सलाह के लिए. चलिए फिलहाल इस शो में